बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सारी तारीफ़ है खुदा बुजुर्ग बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके अस्हाब पर। दो रमज़ान और मुबारक, दूसरी शान इफ्तार 2021 में मैं वसीम बदामी आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दुनिया के कई ममालिक में आज तीसरा रोज़ा शान रमज़ान का सफ़र जारी है। अभी इस आज के सफ़र का बाकायदा आगाज़ होगा कि जब जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, इंसानी तारीख का पेश आने वाला एक बहुत बड़ा वाक़या, एक बहुत बड़ा अजाब कि जिससे उस वक्त की दुनिया की जो अक्सरियत थी, जो इंसानियत की, वो मुतासिर हुई और वो किस अंदाज़ से मलिया मेट होकर उनको रख दिया खुदावंद ताला ने उनके आमाल के सबब। तो जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब सूरह नूह की इब्तदाई चार आयात से आज के इस नशरियात का बाकायदा आगाज फरमाएंगे। जनाब, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أن يعبدوا الله وتقوه
يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा कि अपनी कौम को खबरदार करो कबल इसके कि उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ खड़ा हो। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूं कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमाएगा, तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो मुअख्खर नहीं होता। काश कि तुम समझते होते। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज बखैर हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह। तमाम नातखान हज़रात खैरियत से हैं जी? जज़ाकअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ से सूरह नूह की आयात से इस नशरियात का बाकायदा आगाज़ हुआ और ज़ाहिर है जहाँ तक तर्जुमा बयान किया गया उसके आगे का वाक़िया आप सबके जहन में है कि फिर कौम की अक्सरियत ने इस बात पर कान ना धरे और फिर वो तूफ़ान नूह आया कि जो कि तारीख में एक अपनी इनफरादी हैसियत रखता है और जिसके बारे में हम सब जानते हैं। जुनेद जमशेद साहब की कलाम के हम कुछ अशार से और फिर जाते हैं ब्रेक पर। माह रमज़ान मुबारक के इब्तदाई अयाम में ज़ाहिर सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो कि मुकल्लिबुल क़ुलूब है यानी कि दिलों का बदल देने वाला है, इस दुआ के साथ और अज़म के साथ कि इस माह मुबारक में हमें भी ये शरफ़ हासिल हो कि अल्लाह ताला हमारे दिल को पलटे। आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं पेश करता हूँ। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे
दर पर दिल शिकस्ता रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में मजा जाए मौला दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा जाहिर सवर जाए इलाही मेरा जाहिर सवर जाए इलाही मेरे बातिल की जुल्मत दूर कर दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला बना ले अपना बंदा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे हो मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मुर्शिद